निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा के सहयोगी डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पिछले 6 चरणों के हुए चुनाव में भाजपा सभी सीटें जीत रही है तथा हमारी भोजन भरी थाली के सभी उम्मीदवार भी चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 चरणों के चुनाव में जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा मुसलमान भी कह रहा है कि ऊपर अल्लाह व नीचे मल्लाह भी भाजपा के साथ है तथा जो सपा बसपा व कांग्रेस की नीतियां थी उससे निषादों का पेट खाली था, लेकिन भाजपा ने उसको अब पूरा भर दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी ने हर वर्ग को अनाज पहुंचाया है उसी तरह से हमारे समाज को भी पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अब मुसलमान भी कहता है कि पक्का मकान हमको मिला है तथा आयुष्मान योजना का लाभ भी हर वर्ग के साथ मुसलमान को मिला है और उत्तर प्रदेश से गुंडा राज व दंगे खत्म हो गए हैं तथा मैंने प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी को सलाह दिया था कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण देश का अनाज गोदाम में सड़ रहा है जिसको जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने हमारी सलाह को मानकर पूरी जनता में अनाज का निःशुल्क वितरण किया जिससे यूपी की जनता अब पूरी तरह भाजपा के साथ है और भाजपा को वोट किया है। अब दोबारा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह भाजपा के स्टार प्रचारकों ने भाजपा के लिए प्रचार किया है उससे ज़्यादा उन लोगों ने हमारे निषाद पार्टी के प्रत्याशियों के लिए किया जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूँ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा, पहले तो आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी लोगों को मैं इस 6 चरण के चुनाव होने का आप लोगों के सहयोग के लिए बधाई है। 7वें चरण का चुनाव रह गया है। जो प्यार और स्नेह आप लोगों का मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, जिस तरह का समर्थन मिला जनता का और मीडिया का और इस देश की सम्मानित जनता, चाहे वो माताएं रही हो, चाहे बहनें रही हों, चाहे बुजुर्ग रहा हो, हर वर्ग, यहाँ तक कि इस बार का चुनाव ऐसा रहा है कि मुसलमान अल्पसंख्यक भी ये कह रहा है कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह, उसके सलाह से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी नीति बनाई कि जो सपा बसपा कांग्रेस की नीतियाँ थी, तो मेरा जेब पेट खाली था, जेब खाली था, घर खाली था। और मोदी जी ने सभी के तरह जिस तरीके से अनाज पहुंचाया, योगी जी ने उसी तरीके हमें भी अनाज पहुंचाया है, सबको जिस तरीके मकान दिया, मुसलमान भी कहता हमें मकान दिया है, जिस तरीके सबके बेटे के इलाज के लिए उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड दिया, मुसलमान को दिया है, न्याय दिया है, दंगे खत्म हो गए हैं, उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो गया है। तो ऐसे में सभी जाति धर्म के लोग मिलकर, और विशेषकर जो मैं मोदी जी को एक सलाह, मैं बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी को सलाह दिया था कि कांग्रेस और सपा और बसपा के गलत नीतियों के कारण देश का अनाज गोदामों में सड़ रहा है और गांव का गरीब भूखों मर रहा है, और ऐसे में अनाज अगर जनता जनार्दन को, गरीबों को मिल जाए तो उसके आशीर्वाद से आगे हम लोग सत्ता में। मैंने उनको समझाया था कि कमज़ोर शरीर में कमज़ोर दिमाग होता है, उसको कोई भी मोड़ लेता है, और कमज़ोर दिमाग का आदमी किसी भी आदमी को ओढ़ दे देता है और वो कमज़ोर सरकार बनती है और राष्ट्र देश कमज़ोर होता है। इसलिए शरीर में कैलरी दीजिए, अनाज उन्हें दीजिए, जिससे स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा, और स्वस्थ मस्तिष्क में बटन दबाएगा और एनडीए की सरकार बनाएगा और राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। तो आज 6ठे चरण तक का जो चुनाव था उसमें बहुत ऐतिहासिक हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि एक मछुआरे परिवार डॉक्टर संजय निषाद को कि हमें गले लगाया और मेरे संदेश को उन्होंने धरातल पर लाया, और आज के दिन में पूरे मोदी में, योगी में एनडीए की सरकार बनाने के लिए सारे लोगों ने कमल बटन दबाया। मैं विशेषकर आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, बंसल जी का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, और केशव मौर्य जी का, और दिनेश शर्मा जी को, उनके जितने भी स्टार प्रचारक रहे हैं, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे थे चुनाव लड़ाने जिताने के लिए, और जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया था, उससे कहीं बढ़ चढ़ करके हमारी भोजन भरी थाली को जिताने के लिए, जो हमारे चुनाव चिन्ह को जिताने के लिए खुद मोदी जी उतरे हों, योगी जी उतरे हों, खुद अमित शाह जी उतरे हों, और उसको हमारे जैसे छोटी पार्टी को साथ लेकर उसे जिताकर सदन में ले जाने के लिए भोजन भरी थाली का प्रचार किया, और उसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को भी लगाया,
और उनका भी समर्थन दिलाया और सहयोग किया गया, सभी कुछ अपनाया, तो मैं हमारा समाज ये आभारी है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी आभारी हैं। बचा हुआ सातवें चरण में हम जनता से अपील करेंगे, जिस तरीके से छठवें चरण तक आपने कमल खिलाने के लिए बटन दबाया है, भोजन भरी थाली और कप प्लेट दबाया, तो जहाँ जहाँ कमल चुनाव चिन्ह है वहाँ कमल बटन दबाएंगे, जहाँ भोजन भरी थाली हमारी जैसे सागंज है, अतरौलिया है, हमारा जो है मझवा है और ज्ञानपुर है, ऐसे में चार सीटें अभी हमारे भोजन भरी थाली की हैं और बाकी अभी और जो मिली थी शायद, तो जहाँ कमल चुनाव चिन्ह वहाँ दबाएंगे अपील करने के लिए आज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और विशेषकर यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कीमती समय दिया और हमें भी अवसर दिया पूरे देश में जनता में प्रचार करने का, कि एक एक दिन में 8-8 कार्यक्रम कराया हूँ और स्टार प्रचारक बनाया हूँ, पूरी सुविधाएं भी दिया और सम्मान भी दिया और जगह पहचान भी दिया। और आपका जो चैनल रहा है, मीडिया चैनल रहा, कोई भी ऐसा चैनल नहीं रहा जिसने हमें वो जगह न दी हो, सम्मान न दी हो, तो एक गोरखपुर पूर्वांचल के आपके गोद में पलने वाला बेटा डॉक्टर संजय निषाद, आप लोगों ने जो शुरुआत की आज के 7 साल पहले, मैंने यहाँ आपके कदमों का आपके सहयोग से आपके गोद में खेल कर आपने बड़ा किया है, तो लौट के आने के बाद सातवें चरण का जो चुनाव थमा कल शाम को, तो रात में पहुंचा हूं और सुबह मीडिया के सामने इसीलिए आया कि विशेषकर मीडिया को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी एक छोटी सी पार्टी जो हम 7 साल के पहले शुरू किए हूं और उसे 70 गुना ऊपर कर दिया और मोदी जी के साथ पहुंचा के हमें गले लगा दिया हूं और एक पहचान बनाया हो राष्ट्रीय फलक पर, और प्रदेशों के लोग पूरी दुनिया में हमें पोलिटिकल गार्ड फादर ऑफिसर में उपाधि दिलवाया हो। और मेरे अभी इसका एक और बहुत ऐतिहासिक बात बताऊँ कि जौनपुर में माननीय अमित मोदी जी ने जो बगल में बैठा है हालचाल पूछा, तो उन्होंने भाई क्या, हमने कहा भी मेरे समाज का एक इरादा है कि निषाद राज का एक किला है इलाहाबाद में जिसे आपने पर्यटक स्थल घोषित किया है और निषाद राज की एक मूर्ति और राम की गणेश मूर्ति लगा रहे हैं, तो उसमें इस हम हर साल निषाद राज की जयंती मनाते हैं, राम नवमी को पैदा हुए और निषाद राज पंचमी को पैदा हुए, तो इस बार मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी आप उस हमारे उस निषाद राज ने जब राम को पार किया था गंगा और अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा था, तो राम को सेना दी थी निषाद राज ने और श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था और रावण रूपी सरकार, दो राज चलते थे, एक राम राज चलते थे, एक रावण राज चलता था, तो राम राज की प्रजा सुखी थी, रावण राज की प्रजा दुखी थी, तो निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण का वध कराया था और राम राज लाया था। उसी तरीके से मैंने निषाद राज की सेना मोदी जी योगी को देकर उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस और सपा और बसपा रूपी जो सरकारें उन्हें हटाने के लिए और उन्हें फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए दिया है और प्रधानमंत्री ने मैंने अपील की स्वीकार कर लिया और 5 अप्रैल को जो निषाद राज जयंती मनेगी पंचमी को उस पर आएंगे और बहुत एक मेरे निषाद राज के किले की पर्यटक स्थल घोषित किया, उसके 1000 करोड़ रुपया दिया, वहाँ पार्क लग रहा, मत्स्य मंत्रालय अलग किया है, अभी उन्होंने जो बोट दी थी उसमें 40% की सब्सिडी दी है, मछली पालने वाले हमारी बिरादरियाँ हैं उसमें 25% उन्हें बीच पर सब्सिडी दी है, उनके मकान के लिए विशेष व्यवस्था की है, शिक्षा के लिए भी उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे हम लोग, तो इस बात को अपील करना है कि जनता से अपील करना है कि जो मतदान पड़ेगा 7 तारीख को उसके लिए सुबह पहले मतदान फिर जलपान करें और कमल बटन दबाएं, भोजन के जो हम लोगों ने नारा दिया था 300 पार का, अमित शाह जी का नारा था, एनडीए का नारा था, तो हम भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल मिलकर हम लोग 300 पार जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत हो रही है, जिस तरीके से हम जहाँ जहाँ गए हैं एक दो सीटें छोड़कर हर जगह, देखिए हम लोग की तैयारी है कि जो बची खुची जनता है जिससे सम्मान नहीं मिला है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिला है, जिनकी 2 जून की रोटी छीनी गई है उसे वापस हो जाए, ये हम लोगों का पद प्रतिष्ठा नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दल अपने पार्टी की भागीदारी नहीं सुनिश्चित करा सकता तो अपने समाज की हिस्सेदारी कैसे दिला सकता है, अब भारतीय जनता पार्टी है चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है तो डॉक्टर संजय को जो भी जिम्मेदारी देगी उसे हम पूरा निर्वहन करेंगे। आरक्षण के लिए मैं बहुत अच्छी बात आपने की कि अब तक की सरकारों ने हमारे आरक्षण के साथ कितनी धोखेबाज की है ये पूरा देश जानता है कि हमारी फाइल गायब कराई कांग्रेस ने, इसलिए कांग्रेस को हम लोगों ने गायब करके हटा दिया उत्तर प्रदेश से, हमें गुमराह करके रुकआउट आरक्षण पर दिया जाता था, सुप्रीम कोर्ट में कहती थी सपा की ये आरक्षण के हकदार नहीं है, यहाँ कहते थे आरक्षण है, उसी एफिडेविट को यहाँ लगाने के बाद स्टे मिल जाता था, तो अब हमें रुकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। उस दिन अमित शाह जी के सामने हमारे लोगों ने जो अपना संदेश दिया कि नहीं हमें
आरक्षण चाहिए। उसमें अमित शाह जी ने टटोला तो देखा कि इसमें दो चार अधिकारी ऐसे हैं जो पिछली सरकारों के हैं, जो उलझा रखे हैं सरकार को, उन्हें हटाया और उत्तर प्रदेश से एक रिपोर्ट लगवाया कि डॉक्टर संजय ने जो कहते हैं कि हमारा राष्ट्रपति से नोटिफिकेशन है केवल मल्ला मझवार हैं, तो RGI ने रजिस्ट्रार जनरल सेंसस ऑफ इंडिया पहली बार एक्सेप्ट किया कि केवट मल्ला मझवार की पर्यायवाची जातियाँ हैं, हमारे यहाँ प्रिंटेड है 1961 में गिनती हुई थी, ये 70 लाख थे, पिछली सरकारों ने गिनती में गलती करके इनको इनके उपजातियों का नाम जो है पिछड़ी में डाल दिया है, हमारे यहाँ केवट मल्ला मझवार की पर्यायवाची जातियाँ हैं, ये अनुसूचित के हकदार हैं, लेकिन हमारे यहाँ केवल हम कह सकते हैं और इनकी गिनती कर सकते हैं, हम 2000 जो आएगी 2022 में गिनती होगी उसमें हम गिनती करेंगे, और इनका नोडल अधिकारी नोडल विभाग जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय है जो सुनिश्चित करता है इन्हें प्रमाण पत्र दिलाने का, तो उन्होंने 18 जनवरी को RGI ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लेटर लिख दिया और लेटर लिख के कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को हम निर्देश जारी करेंगे, तो मेरा सही दिशा में जा रहा है और सामाजिक न्याय मंत्रालय से अब आने के बाद मैं प्रमाणिक दस्तावेज अगर देश में मैं इकट्ठा किया हूँ तो हमें आरक्षण भी दिलाऊंगा, प्रमाण पत्र भी दिलाऊंगा, लाभ भी दिलाऊंगा। लाभ केवल 66 समूह अनुसूचित जात का है, लेकिन लाभ तो हेला को मिलता नहीं है, वाल्मीकि को मिलता नहीं है, तुरैया को मिलता नहीं है, मिलता किसे है जो राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी तय की, तो जो लेदर मैन हैं, जो नीले टोपी वाले हैं, वो लोग सत्ता में गए तो उन्हें आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र भी मिला, लाभ में मिला, उसी तरह के मछुआ समुदाय अब सत्ता में जा रहा है 16 सीटें जीत कर, तो हम उनको प्रमाण पत्र भी दिलाएंगे, उनका लाभ भी दिलाएंगे। तो हम सड़क पर अपने संघर्ष को कर रहे थे और हम चारों सदनों में न्याय, लोकतंत्र में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में हमारे चारों सदनों में वकील हैं। अभी इस बार वकीलों की संख्या हमारे निषाद पार्टी के विधानसभा में बढ़ेगी और उनके संघर्ष के द्वारा जहां से लिखा पढ़ी होती है, जहां से कानून बनता है, उस विधानसभा में आवाज़ उठाकर जो भी इनकी कमियाँ होगी जल्दी से जल्दी पहली कैबिनेट